तो नमस्कार दोस्तों, मैंने देख ली है विक्रम मूवी। मेरा दोस्तों एक ही उद्देश्य रहेगा कि अगर आप जो थिएटर्स में पैसे दे रहे हो तो आपको वर्थित होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है ताकि हम आप जब थिएटर पर जाओ तो सही मूवी का चुनाव कर पाओ और अपने पैसों पे आप पछतावा ना कर पाओ। तो चलिए विक्रम मूवी का रिव्यू करते हैं कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के साथ में। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने विक्रम मूवी देख ली है। मैं सबसे ज्यादा मेकर से इस चीज से गुस्सा करूंगा क्योंकि इन्होंने मार्केटिंग नहीं करी। सबसे बड़ी गलती इनकी यही है, इनको अगर मार्केटिंग कर लेते ना तो कहीं ना कहीं केजीएफ पुष्पा के बाद इसका नाम जरूर आता, क्योंकि मूवी में इतना दम है इतना विश्वास है कि ये ऑडियंस को रोक के रख सके और मास एंटरटेनमेंट फुल पैकेज मतलब समझ लीजिए मूवी है इसके अंदर। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अपन बात करें अगर अपन कमल हसन की, फादिल फजिल की या विजय सेतुपति की अगर बात करें तो अपन इनको ना लेके एक्ट्रेस को अपन सिर्फ देखने जाते हैं लोकेश कनकराज की मूवी। अगर आप लोकेश कनकराज के थोड़े टेस्ट के बारे में जानते हो तो आपको पता ही होगा। अगर आप विक्रम मूवी देखने जा रहे हो तो कि आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर वो मूवी कैथी, अगर आप कैथी मूवी देख लोगे वो भी लोकेश कनकराज की है, आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा कि मैं विक्रम मूवी में क्या देखने वाला हूँ। तो कैथी मूवी जरूर देख लेना। साथ ही में अगर आपने मास्टर मूवी देख रखी है तो सही बात है, मास्टर मूवी भी इसी यूनिवर्स के अंदर आती है, यानी लोकेश कनकराज का भी एक अलग यूनिवर्स चल रहा है। और बात करी जाए विक्रम मूवी की, इसके आप एक्टर्स एक्शन ले लीजिए, इसके विजुअल्स ले लीजिए, इसका बीजीएम ले लीजिए, सब एक नंबर है। यानी आपको भाई साहब मजा दे जाएगी। जो आपके पैसे है ना, इतनी कम तो इसकी प्राइस रखी गई है दोस्तों, 150-150 रुपये तो इसकी टिकट है, आप जाके जरूर ट्राई करिए। बस इसकी मार्केटिंग नहीं हुई ना, यही इसकी माइनस पॉइंट है यहाँ पे। चलिए इसका पॉजिटिव पॉइंट के बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है। नंबर वन पे वो आता पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों, वो है इसकी स्टोरी टेलिंग में दोस्तों फुल मार्क्स देने चाहिए। क्योंकि अगर आपने कैथी मूवी देखी होगी ना तो इसका लोकेश कनकराज का क्या हाल है कि अगर इसको कोई बैक स्टोरी सुनानी होती है या आपने स्क्रीन पे प्ले करना होता है तो कुछ ऐसी जगह डालता है कि आपको वो स्टोरी समझ में भी आ जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा खराब ना हो। ये चीज़ मेरे को शानदार लगती है, आपको कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करती, मूवी स्टार्ट होती है अपने फेस पे चलती रहती है और एंड तक आपको उसी चीज़ से वो बांध के रखती है। और सबसे जो मैं इस मूवी में तारीफ हुआ दोस्तों वो है सेकंड पॉइंट, इसका पॉजिटिव पॉइंट वो है विजुअल्स में इसने कातिल मतलब मजा दिया है। रात का अगर लोकेश कनकराज बोल दीजिए मास्टर बन गए हैं ये रात में विजुअल निकालना। जैसे कि मैंने टेलर आया था, टेलर में मैंने कहा था कि ये गाड़ियों के जो हेडलाइट्स है उसके कितना प्यारा उससे एक्शन करते हैं और उससे कितने शानदार विजुअल्स निकालते हैं। सिनेमेटिक शॉट से ले लीजिए, उसके फाइट सीन ले लीजिए, उस टाइम जो शानदार विजुअल बनते ना रात के टाइम पे, भाई रात में तो इन्होंने मास्टरी कर रखी है। और अगर आप लोकेश कनकराज की मूवी देख रहे हो तो आपको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, आप देखने जा रहे हो एक्शन मास मूवी, बिल्कुल एंटरटेनमेंट पैकेज मसाला मतलब आप समझ लीजिए, एक्शन भी इसमें भरपूर मिलने वाला है। कुछ दो तीन एक्शन को अगर अपन इग्नोर भी करते तब भी भाई मूवी खतरनाक है, क्योंकि ये यूनिवर्स है लोकेश कनकराज का, तो अपन को कुछ भी इसमें लॉजिक नहीं लगाना। बस अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पे मास मूवी, ऑडियंस मूवी, जो हमको मजा है और जो हम जो मूवियाँ दे नहीं पा रही ना, हमको जो मजा है वो ये मूवी दे दे, वो भी 150 रुपये के अंदर। अब लास्ट में जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट आता है वो है दोस्तों एक्टर्स में अपना काम बढ़िया क्या है। खासकर मैं इसको मूवी को देखने गया था ना, सिर्फ विजय सेतुपति की तरफ से देखने गया था गाली मत देना दोस्तों, क्योंकि मेरा वो फेवरेट है, तो सिर्फ मैं उनको ही देखने गया था। और जब उनकी स्क्रीन पे एंट्री होती है ना भाई दिल खुश होता है, ये होती है ग्रैंड एंट्री, जो कि भाई यही कर सकते हैं कि भाई विजुअल चल रहे हैं, भाई पूरे थिएटर में सन्नाटा है, जो गैंगस्टर की जो बातें चल रही है वो देखने में मजा आता है। रही दोस्तों इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट के बारे में तो हमने बताया दिया है, अब इसमें कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट तो जरूर होगा, क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। मेरे को लगा दोस्तों जो कैथी मूवी में जो दिक्कत थी वो भी यहीं पे दिक्कत है लोकेश कनकराज की दोस्तों, वो इमोशन। जब आप शुरू से लेकर एंड तक इस मासी मूवी देख रहे हो, एक एक्शन पैक देख रहे हो कि आप सिचुएशन बिल्कुल खतरनाक चल रही है, बस उसमें 5-6 मिनट का जो इमोशनल सीन डालते थे बिल्कुल वो कहीं कनेक्ट नहीं कर पाता, ऑडियंस इधर उधर देखने लग जाती है भाई क्या चल रहा है, इसको जल्दी से खत्म करो, बस वही कनेक्ट नहीं कर पाता। कैथी मूवी में दोस्तों यही हाल था, जब वो अपनी बेटी की स्टोरी सुनाना होता है दोस्तों बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते। सेम हाल यहीं पे ही है, जब कमल हसन आते हैं स्क्रीन पे काम तो अपना बढ़िया करके जाते हैं मगर वो कनेक्ट नहीं कर पाती, इमोशनल के नाम पे ही खा जाती है। बस दोस्तों वही मूवी के रिव्यू मैं बोलूँ, अगर आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, मैं बोलूँगा जाके इस मूवी को एंजॉय करो। आप जब ऐसी मूवियाँ देख रहे हो तो कम से कम ये मूवी भी आप एक बार देख लेनी चाहिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप थिएटर से निकलोगे ना आपके पैसों से पछतावा नहीं होगा, क्योंकि हमने ये मूवी चुनाव आपके लिए किया है। तो दोस्तों ये इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में, अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में बताइए, अपनी राय भी नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। और ऐसी मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके हमें मजेदार रिव्यूज एंड वीडियोस मिलती रहेगी। बाय बाय।